पलपल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2019 का चुनावी बिगुल यूं तो बज चुका है और तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा बसपा का गठबंधन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हर कोई अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान के अखाड़े में उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और सबकी नजरें उत्तर प्रदेश और बिहार की लोकसभा सीटों पर जमी हुई हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। 2014 का जो बहुमत हासिल किया था उसे फिर से दोहरा लेना चाहती है, तो वहीं बिहार में नीतीश बाबू के गठबंधन के साथ बिहार में अपनी खोई हुई सत्ता को भारतीय जनता पार्टी फिर से पा लेना चाहती है। तो वहीं तमाम जगहों को लेकर के चुनावी समीकरण बनाए जा रहे हैं और उन नामों को लेकर के चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है, जिन्हें लेकर के इस मैदान में पूरी पार्टियां उतरने को तैयार हो चली हैं। तो वहीं तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सुलूक लाल कृष्ण आडवाणी के साथ किया है, क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मुलायम सिंह के साथ वही करेंगे? और इन अटकलों के बाजार को पूर्ण विराम अखिलेश यादव ने लगा दिया है और एक बड़ा फैसला लेते हुए और एक बड़ा ऐलान कर दिया है 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो चलिए आखिरकार जान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला हो गया है। समाजवादी पार्टी ने जो नई लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और वहीं आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले खबरें थी कि समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगला लोकसभा चुनाव अपनी पत्नी की सीट कन्नौज से लड़ सकते हैं, मगर अब समाजवादी पार्टी ने ऐसी खबरों पर से विराम लगा दिया है और अब ये तय हो गया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए अपने स्टार प्रचारकों की टीम का भी ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, आजम खान, डिंपल यादव और जया बच्चन समेत कई नाम शामिल है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से 2009 का आम चुनाव जीता था। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कन्नौज की सीट खाली हो गई थी। अब यहां से उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी, जो अभी वर्तमान सांसद है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ के मौजूदा सांसद हैं, जिनके पास एक बड़ा मुस्लिम यादव वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक को मेनपुरी के स्थानांतरित कर दिया गया है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की कई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उनके उन नेताओं के नाम है जिन्हें जहां से चुनाव लड़ने की बात कही गई है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने 71 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसे 42.63% मत हासिल हुए थे। भाजपा की सहयोगी अपने दल ने सीट जीती थी। सपा ने 5 सीटें जीती थी और उसकी वोट हिस्सेदारी 22.35% थी। बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और उसका वोट प्रतिशत 19.77 था। कांग्रेस 2014 में 2 सीट जीत पाई थी और उसे 7.53% मत मिले थे। कांग्रेस के खाते में अमेठी, राहुल गांधी और रायबरेली सोनिया गांधी की सीट दी गई थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान के अखाड़े में कूद चुके हैं, तो वही जिनके साथ उनका गठबंधन हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष
मायावती ने लोकसभा चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है। वो बाहर से ही भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने की रणनीति बना रही हैं और चुनावी मैदान के दंगल में अपने उम्मीदवारों को लगभग उतार चुकी हैं। तो वहीं कयास बहुजन समाज पार्टी को लेकर के भी लगाए जा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान के अखाड़े में उतारेगी, तो इस रणनीति में समाजवादी पार्टी भी पीछे रहने वाली नहीं थी। तो उन्होंने अपने इकलौते मुस्लिम चेहरे आजम खान को भी चुनावी मैदान के अखाड़े में उतार दिया है और ये ऐलान कर दिया है कि रामपुर की सीट से लोकसभा चुनाव इस बार आजम खान लड़ेंगे। और आजम खान वो वही शख्स है जो समाजवादी पार्टी में काफी बड़ी पैठ रखते हैं और जब मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का तनाव बढ़ा था उसे लेकर के मीडिया का बाजार गर्म हो चला था और हर कोई ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अखिलेश यादव के तेवर अलग हो चले हैं और वो वरिष्ठ नागरिकों को अलग करते हुए जा रहे हैं। इसमें आजम खान का भी नाम शामिल किया गया था और इसके बाद आजम खान ने जिस सूझबूझ से समाजवादी पार्टी को बचा करके रखा और मुलायम सिंह के अस्तित्व को बचाने में कड़ी मेहनत की वो वाकई काबिले तारीफ थी, जिसको लेकर के आजम खान एक वाही शख्स ऐसे हो चले हैं जो हुक्मरानों के खिलाफ लगातार बेबाकी से बुलंद होकर के उनके हर कारनामों को दुनिया के सामने रखते रहते हैं। और आजम खान अभी जो उर्दू गेट को लेकर के रामपुर में बवाल मचा था जिसे योगी सरकार की हुकूमत ने उखाड़ फेंका था, उसी सरकार ना होते हुए भी आजम खान ने उस उर्दू गेट को फिर से बनवा दिया था। तो आजम खान इस बार लोकसभा चुनाव में गरजते हुए नजर आएंगे और अगर रामपुर का बहुमत आजम खान को मिलता है तो यकीनन रामपुर की सीट से लोकसभा के चुनावी मैदान में संसद में गरजते हुए भी आजम खान हमें नजर आएंगे। तो आजम खान से जुड़ी तमाम अपडेटों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।